आईपीएल 2022 में कमाल हो गया, बहुत बड़ा कमाल हो गया। मतलब कमाल ऐसा हो गया कि भाई हमारे पैसे को, हमारे लोगों के पैसे को साले अंग्रेज ले उड़े, अंग्रेज ले उड़े, बहुत मोटा पैसा अंग्रेज ले उड़े। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई अंग्रेजों को इतना माला माल क्यों कर दिया? तो भाई अंग्रेजों को माला माल इतना इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे अंदर दम ही नहीं था। जब हमारे अंदर दम ही नहीं होगा तो दूसरे को तो पैसा देना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर आपके अपने घर में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, उस तरीके के लोग नहीं होंगे, तो भाई दूसरों बाहर से तो लोग बुलाने पड़ेंगे ना, बाहर के लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा ना, इसीलिए अंग्रेज को माला माल कर दिया। अब मैं आपको जो रिपोर्ट बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के जहन में सबसे बड़ा एक सवाल आता होगा कि भाई अंग्रेज ऑलराउंडर्स के ऊपर इतना पैसा क्यों बरसा दिया? हमारे ऑलराउंडर्स क्या घास चरने गए थे? हमारे ऑलराउंडर्स कहां गए थे? तो उसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा कि अंग्रेज ऑलराउंडर्स के पीछे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया और भारतीय ऑलराउंडर्स की स्थिति कहां है, कहां खड़े हैं हमारे ऑलराउंडर जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े काम करते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो सूरमा हैं। क्यों है सूरमा? कहां है वो सूरमा? क्यों उनके पीछे इतना पैसा खर्च नहीं होता? चलिए, ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है, ये आपको देखना चाहिए कि आखिर अंग्रेज ऑलराउंडर्स के पीछे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया और भारत ऑलराउंडर्स की लिस्ट में कहां खड़ा है, क्यों भारत। देखिए, ये आईपीएल का वाला मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा टीम इंडिया का भी है, क्योंकि ऑलराउंडर्स टीम इंडिया को भी चाहिए, टीम इंडिया को भी चाहिए, तभी हम विश्व कप जीत सकते हैं। अब मैं आपको जो रिपोर्ट बताऊंगा वो आंख रिपोर्ट देख के आपकी आंख खुल जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में हमने अंग्रेजों को इतना पैसा क्यों दे दिया। अब देखिए, तीन ऑलराउंडर्स हैं जिनके ऊपर पैसा बरसा गया 2023 में, सैम करन, कैमरून ग्रीन, बेन स्टोक्स। इन तीनों के पीछे जमकर पैसा बरसा, जमकर खूब बारिश हुई पैसों की, और भारतीय ऑलराउंडर्स वहीं के वहीं रह गए, फिसड्डी के फिसड्डी रह गए, कुछ तो बिके भी नहीं। अब देखिए बात सारी क्या है, सैम करन 18.5 करोड़, कैमरून ग्रीन 17.5 करोड़, और नौजवान अभी कुछ ही मैच खेला, ज्यादा मैच खेला भी नहीं है, उसके बावजूद 17.5 करोड़, बेन स्टोक 16.5 करोड़। मतलब अब तीनों ऑलराउंडर्स को अगर मिला के लगा दें तो लगभग 18, 36 और 36 और 6, 42 और 52, मतलब 52-53 करोड़ इन तीनों खिलाड़ियों पर चला गया। 52-53 करोड़ भारत का पैसा ये तीन विदेशी खिलाड़ी ले गए, अंग्रेज ले गए। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि भारतीय ऑलराउंडर्स कहां खड़े हैं, भारतीय ऑलराउंडर्स कहां हैं, भारतीय ऑलराउंडर्स कहां हैं। अब सवाल जो सबसे बड़ा यह है कि भारतीय ऑलराउंडर्स कहां हैं, तो यहां पर एक आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए, ये तीन ऑलराउंडर सैम करन अपनी टीम के मैच विनर प्लेयर हैं, T20 विश्व कप में अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई गेंद से, कमाल की बल्लेबाजी की। उसके बाद में कैमरून ग्रीन अपनी टीम के लिए मैच विनर प्लेयर हैं, अपनी टीम के लिए गेंदबाजी बढ़िया करते हैं, बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, इसीलिए इन पर पैसा बरसाया गया। बेन स्टोक अपनी टीम के कप्तान है और मैच विनर प्लेयर है, फाइनल में आपको पता ना किस तरीके की पारी खेली थी, जब इंग्लैंड पूरी टीम ढहती जा रही थी तब बेन स्टोक ही खड़े थे जिसने T20 विश्व कप का फाइनल जिताया था, आपको ध्यान है ना। तो ये खिलाड़ी होने चाहिए, इसलिए इन पर पैसा बरसा है। अब मैं आपको इंडियन ऑलराउंडर्स की हालत बता देता हूं कि कहां खड़े हैं हमारे इंडियन ऑलराउंडर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, नंबर एक ऑलराउंडर्स है हमारे हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या ना, अब हार्दिक पांड्या के ऊपर इतना पैसा, हार्दिक पांड्या है वो टीम इंडिया के लिए बढ़िया करते रहे हैं, उसके बाद में वो मुंबई के लिए उन्होंने लगातार मैच विनिंग पारियां खेली, मुंबई को कई बार चैंपियन बना और अपनी टीम गुजरात को पहली बार में ही उन्होंने चैंपियन बना दिया। तो ये खिलाड़ी वास्तव में इन खिलाड़ियों के दमदार है, इन खिलाड़ियों के श्रेणी का एक खिलाड़ी है, ये टीम इंडिया को भी जिताता है, ये अपनी टीम चैंपियन, अपनी टीम को भी चैंपियन बनाता है, इसीलिए इसके ऊपर इतना मोटा पैसा खर्च किया गया, गुजरात ने इसको इसीलिए चैंपियन बनाया। नंबर एक ऑलराउंडर हमारे हार्दिक पांड्या। उसके बाद में नंबर दो ऑलराउंडर हमारे रविंद्र जडेजा है, वो रन बनाते हैं टीम इंडिया के लिए भी, जब होती है बात तो टीम इंडिया के लिए भी रन बनाते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, और सीएसके के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, सीएसके को भी उन्होंने मैच विनिंग पारियां उनके बल्ले से निकली हैं। तो दो ऑलराउंडर हो गए हमारी टीम के। अब इसके बाद हमारी टीम कहां खड़ी है, इसके बाद की अब हमारी टीम, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारा भविष्य क्या है और क्यों हमारे नौजवान ऑलराउंडर्स के पीछे इतना पैसा नहीं बरसाया जाता। देखिए, अब बात आते हैं टीम इंडिया में इस वक्त खेल रहे हैं शार्दुल ठाकुर को, ऑलराउंडर हम कहते हैं शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर ठीक है, कि वो पार्टनरशिप ब्रेकर उनको माना जाता है, ठीक है भैया पार्टनरशिप ब्रेक तो आपने कर दी, ठीक है आपने बीच के ओवर्स में आकर एक विकेट ले लिया, लेकिन अगर आपने रन लुटा दिए, पैसों की तरह रन लुटा दिए, तो आपको कौन पूछेगा मेरे भाई। चार ओवर में अगर आपने सपोज 2 विकेट ले लिया और 50 रन दे दिए तो फायदा क्या किया, क्या फायदा किया आपने अपनी टीम के लिए, क्या किया उसके बाद में आप जिस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, क्या आप मैच विनर हैं,
क्या आप अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए शार्दुल ठाकुर को भी आप मैच विनर ऑलराउंडर मत समझना। मैच विनर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर नहीं है। इसीलिए आपको हकीकत बता रहा हूं मैं भारतीय क्रिकेट की, आपको देखनी चाहिए ये वीडियो। उसके बाद में दूसरे ऑलराउंडर कौन आते हैं? वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर आते हैं उसके बाद में, उनको बोलता है कि भाई हमारे पास बड़े ऑलराउंडर हैं, हमारे वेंकटेश अय्यर हैं, हम वो कर देंगे। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट वेंकटेश अय्यर को देखा जाने लगा था। क्या है हकीकत? क्या है हकीकत? यह है कि 2022 के आईपीएल में वेंकटेश अय्यर का ना बल्ला चला ना गेंद चली, और गेंद कहाँ डालते हैं, रफ्तार उतनी नहीं है, मैच विनर नहीं है, टीम इंडिया में आए उसके बाद में बाहर हो गए। तो वो कंसिस्टेंसी जो परफॉर्मर होता है वो क्या वेंकटेश अय्यर है? नहीं है। इसीलिए उन पर पैसा नहीं बरसता, इसीलिए उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि क्या ने जरूर इस बार रख लिया है उनको, अगर अब की बार भी नहीं चले तो उनको केकेआर भी बाहर कर देगी। क्यों? क्योंकि दम ही नहीं है बंदे में, ना गेंद में दम है ना बल्ले में दम है, तो क्या करेंगे, कहां से पैसा बरसेगा? नहीं बढ़ सकता। उसके बाद में एक और बताता हूं, उसके बाद में नाम आता है किसका? शिवम दुबे का। शिवम दुबे जिसको इस बार बहुत बात चल रही है। अब शिवम दुबे की भी आप बात कर लीजिए। शिवम दुबे अगर मैं देखिए टीम इंडिया में तो कुछ मैच खेले हैं, कुछ मैचों में कुछ रन बनाए हैं, कुछ अच्छे छक्के भी लगाए, लेकिन विकेट लिए क्या? क्या गेंदबाजी से उतने कमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शिवम दुबे को 2022 के आईपीएल को देख लीजिए, कुछ रन बनाए लेकिन क्या गेंद दी? नहीं दी, क्योंकि कप्तान को उनके गेंद पर भरोसा ही नहीं है। कप्तान को पता है कि गेंद देंगे, छक्के उड़वा देंगे, मैच हरवा देंगे, कप्तान को पता है। क्योंकि आप गेंद और बल्ले, ऑलराउंडर का काम क्या होता है? ऑलराउंडर का काम होता है गेंद और बल्ले दोनों से बराबर का प्रदर्शन करना, दोनों से अपनी टीम को जिताना। लेकिन शिवम दुबे के पास वो ताकत नहीं है। शिवम दुबे अपनी गेंद और बल्ले दोनों से अपनी टीम को मैच नहीं जिता सकते, इसलिए ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शिवम दुबे भी नहीं है, और इसलिए उन पर पैसा भी नहीं मिलता है। अब बात क्या है, अब बात आती है जो हाल ही में जिनकी बड़ी चर्चा होती है। क्या नाम है उनका? चौथे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा की भी बात कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स की बात होती है तो मेरे भाई आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार दीपक हुड्डा का तो जिक्र ही नहीं किया, तो दीपक हुड्डा की भी हकीकत बता देता हूं मैं आप लोगों को। दीपक हुड्डा की हकीकत यह है कि टीम इंडिया में आकर उन्होंने रन तो बनाए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कप्तान ने गेंदबाजी का भरोसा ही नहीं जताया, और जताया इसलिए नहीं क्योंकि आईपीएल 2022 में केएल राहुल ने उनसे बल्लेबाजी तो करवाई लेकिन गेंदबाजी नहीं करवाई, और एक विकेट, केवल एक विकेट पूरे सीजन में, एक विकेट। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या ये तमाम खिलाड़ी जो मैंने बताए हैं क्या ये ऑलराउंडर्स कहलाने लायक हैं? नहीं है। कुछ गेंदबाजी अच्छी करता है कोई, तो कोई बल्लेबाजी अच्छी करता है, कोई मतलब काम चलाऊ बल्लेबाजी करता है, तो कोई काम चलाऊ गेंदबाजी करता है। ऑलराउंडर का काम क्या होता है? आप ऑलराउंडर में आप यहां देखिए सैम करन गेंदबाजी से मैच जिता दिया, फाइनल जिता दिया T20 विश्व कप का इंग्लैंड को, और बल्लेबाजी में भी कमाल करते हैं। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के भविष्य के बहुत बड़े खिलाड़ी आकर सामने आएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। बेन स्टोक बल्ले और गेंद और कप्तानी तीनों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। ऑलराउंडर्स की जब बात होती है ना, हम कपिल देव की बात क्यों करते हैं, हम जैक कैलिस की बात क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं ना इन खिलाड़ियों की बात, क्योंकि ये जो खिलाड़ी थे ना, ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते थे। ये खिलाड़ी वो थे जो बल्ले में उतार दीजिए, गेंद से उतार दीजिए, ये अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करते थे। आज के समय में अगर भारतीय क्रिकेट को मैं देखूं तो केवल हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मैं केवल इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि वो फिटनेस भी बेहतर है, वो गेंद और बल्ले से टीम को मैच जिताने की ताकत रखते हैं। वरना रविंद्र जडेजा फिटनेस के मामले में फेल है, बल्ले से और गेंद से भी कमाल कर सकते हैं लेकिन फिटनेस के मामले में फेल है। तो भारतीय ऑलराउंडर्स पर पैसा इसलिए नहीं बरसता क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं, वो गेंद और बल्ले से दोनों से अपनी टीम को मैच जिता ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन पर पैसा नहीं बरसता है। इसलिए भारतीय जो टीम है, जो आईपीएल की टीम है, इन्हें मजबूरन विदेशी खिलाड़ियों को मोटा पैसा देना पड़ता है, मजबूरन, ये मजबूरी है, ये कोई शौक नहीं है आईपीएल की टीमों को मेरे भाई कि सैम करन को, कैमरून ग्रीन को और बेन स्टोक को इतने मोटे मोटे पैसे दे दीजिए, इतने करोड़पति बना दीजिए, शौक नहीं है, मजबूरी है। इसीलिए हमारे भारतीय क्रिकेट कहाँ खड़ा है, हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है, हमारे पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों से प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नहीं है। और ये आईपीएल की कमजोरी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये कमजोरी टीम इंडिया की भी है, क्योंकि भारत से ही आईपीएल से ही जाके ऑलराउंडर्स निकलते हैं, आईपीएल से ही हमें टीम इंडिया के लिए भी खिलाड़ी मिलते हैं, तो हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है, ये बात हकीकत है। वॉशिंगटन सुंदर जरूर है, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, शाहबाज आ रहे हैं, अक्षर पटेल है, लेकिन अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर इन्होंने क्या कंसिस्टेंसी दिखाई? नहीं दिखाई। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास वो ऑलराउंडर की पौध नहीं बन पा रही है, वो ऑलराउंडर की पौध आपकी नई जनरेशन में से नहीं निकल पा रही है जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करे, दोनों से अपनी अपनी टीमों को जिताए और दोनों से बड़ा मैच विनर साबित हो। तभी तो पैसा बरसता है, तभी तो इन लोगों पर भी पैसा बरसा क्योंकि ये दोनों से कमाल कर
सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि क्या टीम इंडिया में जब हार्दिक पांड्या चले जाएंगे क्या कोई दूसरा हार्दिक आ पाएगा, क्या हमें उस तरीके के ऑलराउंडर मिल पाएंगे जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि टीम इंडिया की हकीकत, भारतीय क्रिकेट की हकीकत बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।